नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है टॉप 20 खबरों की ओर रुख करने का, तो शुरू करते हैं टॉप 20 खबरों का सिलसिला। आज गुजरात में होंगे पीएम मोदी, एकता नगर और केवड़िया जाएंगे। अगर ईरान जवाबी हमला करता है तो पूरी ताकत से जवाब देंगे इजरायली मिलिट्री चीफ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिन के दौरे पर, अरुणाचल के तवांग रवाना, किरेन रिजिजू भी साथ। यूपी नोएडा सेक्टर 74 के बैंक्वेट हॉल में लगी भीषण आग, एक की मौत। सलमान खान को फिर मिली धमकी, मैसेज भेज कर की 2 करोड़ रुपए की डिमांड। महाराष्ट्र में टिकट कटने से नाराज पालघर के शिवसेना विधायक, 2 दिन से लापता, तलाश में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ बीजापुर में नक्सलियों ने 35 साल के शख्स को मौत के घाट उतारा। कन्नड़ अभिनेता दर्शन को मेडिकल आधार पर कर्नाटक हाई कोर्ट से मिली 6 हफ्ते की जमानत। नागपुर एयरलाइंस को बम से उड़ाने की झूठी धमकी देने वाले की पहचान, आरोपी है फरार। 1 नवंबर को राजस्थान में हो सकता है सार्वजनिक अवकाश, कर्मचारियों की मांग पर सरकार कर सकती है घोषणा, एमपी में हो चुका है ऐलान। महाराष्ट्र में महायुति से नवाब मलिक की उम्मीदवारी पर टकराव, एनसीपी अजीत गुट ने उन्हें टिकट दिया, भाजपा बोली उनके दाऊद से लिंक। बंगाल में डॉक्टर ने पेशेंट से कई बार रेप किया, बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर अश्लील तस्वीरें खींची, ब्लैकमेल कर 4 लाख रुपए मांगे। कनाडाई मंत्री का आरोप, खालिस्तानियों पर एक्शन के पीछे शाह, सिक्योरिटी कमेटी को दिया बयान, इंडिया कनाडा मीटिंग की जानकारी लीक करने की बात मानी। लॉरेंस बिश्नोई को स्टूडियो जैसी सुविधा दी, गैंगस्टर के इंटरव्यू पर हाईकोर्ट की कड़ी फटकार। आईएस संजीव हंस की रिमांड खत्म, भेजे गए बेऊर जेल। दिवाली पटाखों का नहीं, रोशनी का त्योहार है, मौलाना तौकीर रजा ने धीरेंद्र शास्त्री के बयान पर किया रिएक्ट। न बटेंगे न कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे, सीएम योगी के नारे का पलटवार करते हुए सपा कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर। दिल्ली में टावर उपकरण चोरी करने वाले इंटरनेशनल गैंग का भंडाफोड़, 52 आरोपी गिरफ्तार। लखनऊ में 200 के पार पहुंचा AQI, हवा में प्रदूषण का लेवल लगातार बढ़ रहा, रात में गुलाबी ठंड का असर दिखा। जयपुर में लव मैरिज से नाराज इंजीनियर दामाद की हत्या के जुर्म में सास ससुर सहित 5 को उम्र कैद। टॉप 20 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ आप जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।